जय गुरु। आज का आलोचना टॉपिक है अमृत। कैसे श्री श्री ठाकुर ने स्वयं भक्त को प्रसन्न करके भोग आरंभ किए हैं, उसी के बारे में आलोचना करेंगे। 1922 में श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य केस्टोदा को श्री श्री ठाकुर का प्रथम दर्शन हुआ था। उस समय वे वैज्ञानिक सी वी रमन के साथ रिसर्च कर रहे थे। उनकी शादी सन 1920 में हुई थी। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती सुषमा देवी है। शादी के वक्त उनकी उम्र 17 वर्ष थी। सन 1923 से केस्टोदा पावना आश्रम में स्थायी रूप से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी सुषमा देवी भी आ गई, परंतु सुषमा देवी को पावना में मन नहीं लग रहा था। एक दिन हुए केस्टोदा से बोले, मुझे यहाँ रहने में अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कलकत्ता लौट जाना चाहती हूँ। एक दिन केस्टोदा ने श्री श्री ठाकुर से इस बात की जानकारी दिया। श्री श्री ठाकुर ने सुषमा माँ को बुलाकर पूछा, पता चला है कि तुम यहाँ रहना नहीं चाहती हो, कलकत्ता लौट जाना चाहती हो। उत्तर मिला, जी हाँ ठाकुर। श्री श्री ठाकुर ने पूछा, क्यों? यहाँ बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ, वे तो सारा दिन बाहर ही रहते हैं, मुझे अकेला मन नहीं लगता है। श्री श्री ठाकुर चिर आकर्षणीय रहस्यपूर्ण मधुर मुस्कुराहट सहित बोले, तुम अकेला कब रहती हो? मैं तो सब समय तुम्हारे साथ रहता हूँ, क्या तुम यह अनुभव नहीं कर पाती हो? जब ही अकेला अनुभव करोगी मेरे पास चले आना, ठीक है ना? इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन सुषमा घर का काम आदि करके स्नान करके आनंद बाजार के प्रसाद का इंतजार कर रही थी। कम उम्र में शरीर परिश्रम से जितना न परिश्रांत होता है, उससे ज़्यादा भूख परेशान करता है। उस समय आश्रमिक लोगों का खाना पीना आनंद बाजार के प्रसाद पर ही निर्भर था। इंतजार करते करते नींद आ गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ से उनकी नींद टूटी। एक सेवक ने कहा कि ठाकुर आपको तुरंत बुला रहे हैं। सुषमा हड़बड़ा अपनी साड़ी ठीक करके ठाकुर के पास जल्दी से गई। उनके नज़दीक पहुंचकर देखती है कि श्री श्री ठाकुर भोग के आसन पर बैठे हैं, भोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। सुषमा को देखते ही श्री श्री ठाकुर ने चिर परिचित स्नेह मिश्रित स्वर में मुस्कुराते हुए सामने बैठने का स्थान दिखाते हुए बोले, बैठो। सुषमा सकुचाती हुई उनके निर्देशित स्थान पर बैठ गई। श्री श्री ठाकुर अपने थाली में परोसे भात दाल को अच्छी तरह से मिलाकर एक बड़ा सा निवाला बनाया और देते हुए बोले, अपने हाथ फैलाकर लो। खिदार्थ सुषमा बिना संकोच से सर झुकाकर हाथ फैला दी। श्री श्री ठाकुर सुषमा के हाथ में देते हुए बोले, इसको खाओ। सुषमा श्री श्री ठाकुर की दी हुई प्रसाद को बहुत तृप्ति के साथ खाई। श्री श्री ठाकुर स्निग्ध दृष्टि से सुषमा को खाते देखते रहे। उसके बाद वे अपना भोग आरंभ किए। प्रसाद पाने के लिए भक्त कितना उद्ग्रीव रहता है, और भगवान यहाँ स्वयं भक्त को प्रसन्न करके भोग आरंभ किए। सुषमा उस क्षण का अनुभव करते हुए बोली,
इसी अमृत के सामने स्वर्ग का अमृत भी मेरे लिए तुच्छ था। जय गुरु। मातृस्मृति पृष्ठा संख्या 13 और 18-19 से संग्रहित।